गाइस गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और अभी तो मैं जा रहा हूँ दाढ़ी सेट कराने, उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोग को। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली, एंड आज मैं काफ़ी लाउड एंड खुश दिख रहा हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है एंड दिस इज़ माई बर्थडे ब्लॉग। वैसे तो टाइम हो रहा है 10:30 और अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो फटाफट मंदिर निकलते हैं। वैसे तो आउटफिट ऐसा चूज़ कर लिया ना कि शाम तक पूरा गंदा हो जाएगा, ब्लैक वाइट शाम तक पूरा गंदा होने वाला है। हम मंदिर होके आ गए, अब अगला काम है, क्या काम है, बर्थडे है ना आज मेरा, तो मैं क्या काम करूं। और जिन लोगों ने मेरे लिए स्टोरीज डाली, थैंक यू सो मच भाई, सबने इतना अच्छा लिखा मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखो, सपोर्ट करते रहो, बस यही चाहता हूं मैं। और आज मैंने अपने लिए एक सरप्राइज़ भी प्लान कर रखा है और देखते हैं वो सरप्राइज़ पूरा होता है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद को एक अच्छा सा गिफ्ट देने वाला हूँ। जिससे पहले तो अभी मैं नीचे जाता हूँ और नाश्ता वाश्ता कर लेता हूँ, फिर ब्लॉग। हो तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो रेगुलर ब्लॉग था, इसमें मोडो ब्लॉग कहाँ से आ गया। तो भाई साहब बात ये है कि मैं आया था अपने नए वाले घर इसको बंद करने, क्योंकि लेबर लोग की छुट्टी हो चुकी है ना, क्योंकि टाइम हो रखा है, मैं एक बार फ़ोन में देख के आप लोग को बता देता हूँ टाइम। तो टाइम हो रहा है 5:44 और वैसे तो गर्मियों में लगभग 7 बजे तक काम चलता है, लेकिन अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो 6 बजे के पहले या 6 बजे तक छुट्टी हो जाती है। तो मैं आया था बंद करने, बात इतनी सी है कि मैं आया था घर को बंद करने, एंड चाबी ले ली मैंने, एंड आया था, हेलमेट लगाया था और गोप्रो भी चार्ज था। तो मैंने सोचा कि आगे के ब्लॉग को मोटो ब्लॉग बनाया जाए। तो लास्ट शॉट में मैंने आप लोग को बोला था कि मैं अपने लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट लेने वाला हूँ आज, एंड जिसके चक्कर में सुबह से शाम हो गई है, बट वो गिफ्ट मैं नहीं ले पाया हूँ ड्यू टू सम रीज़न। बट कोई ना, अभी वो पूरा कैंसिल नहीं हुआ है, तो बर्थडे पर नहीं ले पाया तो क्या हुआ, बाद में ले लेंगे, बट लेना तो है ही, ज़रूर लेना है। एंड अभी का सिस्टम ये है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ थोड़ा सा छोटी सी पार्टी करने। एंड वैसे आप लोग को ये ब्लॉग थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा क्योंकि बड़े ब्लॉग है भाई, एंड नो पार्टी नो मस्ती नथिंग, एंड अकेले दोस्त के साथ जा रहे हो। तो एक्चुअली इसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि पार्टी एंड ये दोस्तों के साथ चिल करना, ये सब तो कॉमन है आजकल, सभी करते हैं भाई। एंड ये मैं रेगुलर डे में ना रोज़ ही करता हूँ भाई, रोज़ का कैफ़े में बैठना उठना घूमना सब यही चलता रहता। तो मैंने सोचा कि बर्थडे पे भी यही करूँगा तो क्या मतलब यार, तो मैंने खुद को रेस्ट दिया। एंड रेस्ट भी थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया क्योंकि जो अपना सरप्राइज़ प्लान था ना वो कैंसिल हो गया, बट कोई ना, आपको आने वाली वीडियोज़ में वो सरप्राइज़ भी दिख जाएगा क्या है। एंड बहुत ही मस्त चीज़ है, मस्त कॉन्फिडेंस लेवल अभी यहाँ है ना, मतलब ये 0 है, ये यहाँ है तो यहाँ पता नहीं आउट ऑफ द फ्रेम चला जाएगा। एंड अभी मेरी गाड़ी में हो रखा हवा कम, बट कोई नहीं काम चला लेंगे। तो एक्चुअली रीज़न ये भी है कि अकेले रहने का आज की, कि मेरे दोस्त जो है ना, एक का एग्ज़ाम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, और बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो अपने अपने काम में थोड़ा सा बिज़ी हैं, लाइक उनका भी थोड़ा बहुत काम इम्पॉर्टेंट था। तो बर्थडे तो लाइक यार सेलिब्रेशन तो कभी भी हो सकता है, लेकिन काम नहीं छोड़ना चाहिए अपना कभी भी। तो आज के ब्लॉग में और अपने आप को मैं एक बर्थडे गिफ्ट यही देने वाला हूँ कि आज से मैं अपना काम कोई भी किसी भी एक्सक्यूज़ की वजह से नहीं छोड़ूंगा, मतलब लाइक मुझे वीडियो बनाना है तो मैं बनाऊँगा, एंड मुझे जो भी काम है या करना है मैं कोई एक्सक्यूज़ दे के नहीं छोड़ूंगा, अनटिल कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो या फिर मैं वो काम कर नहीं पा रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ
वैलिड रीज़न होना चाहिए, नॉट सिली एक्सक्यूज लाइक अरे यार GoPro चार्ज नहीं है, तो भाई चार्ज करो एंड वीडियो बनाओ। मतलब अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा फोर्स करने वाला हूँ, क्योंकि इसका रीज़न एक और है कि भाई कितने दिन से हम लोग यूट्यूब चैनल को रन कर रहे हैं एंड अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं है। इट मीन्स मेरे अंदर ही कोई कमी होगी थोड़ी बहुत, तो उस कमी को सुधारेंगे एंड अच्छे से इस चैनल को मोनेटाइज करते हैं। एंड ग्रो तो कर रही है चैनल, ऐसा नहीं है कि स्टक्ड है या डेड है, ऐसा कुछ नहीं है, चैनल ग्रो कर रहा है, आप लोग अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं एंड बस ऐसे ही सपोर्ट आप लोग करते रहो एंड एक दिन तुम्हारा भाई तबाही मचाएगा, उन्नाव का नाम बहुत ऊपर जाएगा भाई। मैं नहीं ले जाऊँगा, कोई और ले जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं ही लेके जाऊँगा, बहुत लोग हैं, लेकिन ठीक है मैं अपनी एफर्ट्स डालूँगा भाई, फुल एफर्ट्स डालूँगा। एंड फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन है, तो पिज़्ज़ा खाते हैं एंड दोस्त को बैठाया हुआ है एंड थोड़ा बहुत ट्रैफिक फ़िल्टर करने वाला हूँ, तो वाइज़र थोड़ा सा ऊपर करने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैं टिंटेड वाइज़र लगा के आया था एंड थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा है तो थोड़ा कम दिख रहा है, बट कोई ना काम चला लेंगे, विंड नॉइज़ नहीं आनी चाहिए इसलिए। ओ भाई फिल्टर कर लेता, बट भाई थोड़ा रिलैक्स मोड में बैठा हुआ पीछे वाला, तो मैं भी सोच रहा हूँ यार कि ये फिल्टरिंग विल्टरिंग करके क्या मतलब कुछ अलग सा कंटेंट लाते हैं। लाइक मैंने बीच में शुरू किया था मोटो रोस्ट, अच्छा खासा चला था, बट यार ऐसे किसी की मैं बेइज्जती करता हूँ लाइक फिर ऐसे दुश्मनी ही बढ़ती है ना, हर बंदा तो इतना चिल नहीं होता कि आप उसको कुछ भी बोलो एंड वो भड़के ना या फिर आपसे दोस्ती रखे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। तो अच्छा इंप्रेशन आया था उस पर, लाइक मुझे लग रहा था वो काम की थोड़ा चल जाएगा, बट कोई ना किसी की वीडियो पे ऐसे उल्टा सीधा बोलना लाइक मुझे भी सही नहीं लगा, तो फिर मैंने बंद कर दिया। लाइक मैं भी कभी किसी को लेके वीडियो बनाऊं एंड उसे कोई कुछ बोल देना, कोई ऐसे फालतू में ही कोई बोल देना, तो मुझे बहुत बुरा लग जाएगा, तो इसलिए मैंने रियलाइज़ करा एंड बंद कर दिया। वो सब काम नहीं करेंगे अपन, मोटो ब्लॉग ही करेंगे एंड मोटो ब्लॉग में डेली ब्लॉग करेंगे, क्योंकि अब एक्सक्यूज़ नहीं देना है एंड चैनल को जल्द से जल्द जितनी जल्द उतनी जल्द मोनेटाइज करना है। वैसे एक वीडियो में अगर 30K व्यूज़ आ जाएंगे तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इससे आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। लाइक वो वीडियो अगर मान लीजिए 9 मिनट की है एंड उस पर 20K 30K व्यूज़ भी आ गए ना, तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ईजिली। तो बस उसी का इंतज़ार है कि वो कंटेंट कब मिलेगा। एंड बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स तो ये करते हैं कि लंबे मोटो ब्लॉग्स डालते हैं, लाइक वो उसमें कट वट नहीं करते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, लाइक 4 मिनट का वीडियो डाल दिया, 8 मिनट का डाल दिया, तो इससे क्या होता है कि ऐसे कुछ बंदे होते हैं कि मोटो ब्लॉग पूरा देखते हैं, तो जिन्होंने लाइक 30 मिनट्स का मोटो ब्लॉग अपलोड कर रखा है तो कुछ तो उनका वॉच टाइम आता है, बट मैं क्या करता हूँ वीडियोज़ को बहुत ही क्लियर रखता हूँ, एकदम रॉ नहीं रखता, थोड़ा क्लियरिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करता हूँ, लाइक कि पॉइंट टू पॉइंट ही रहे वीडियो। एंड यार टाइटल और थंबनेल का तो इतना लोचा है ना, क्या बताएं, तो बहुत बकवास कर ली आज, तो इतना ज़्यादा तो मैं कभी बोला भी नहीं होऊंगा पूरे आज तक जितने मोटो ब्लॉग्स बनाए ना आज तक, सच बता रहा हूँ, बर्थडे या झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा, सच बता रहा हूँ इतना मैंने कभी नहीं बोला है और इतना कॉन्टिन्यूस तो मैंने कभी नहीं बोला है भाई, कभी नहीं। एंड रिसेंटली अभी हम लोग मेरे फ्रेंड के लिए ब्लॉग शूट कर रहे थे एंड देयर आई रियलाइज कि मेरे अंदर कितने चेंजेस आ गए हैं, मतलब पहले मैं जब ब्लॉग बनाता था ना तो मुझसे भी बोला नहीं जाता था कुछ एंड उससे भी कुछ नहीं बोला जा रहा था, देन मैंने रियलाइज़ करा कि अरे भाई मैं कितना बदल गया हूँ, मैं मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मुझे कभी कभार तो लगता कि मैं क्यों यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मैं क्यों वीडियोज़ बना रहा हूँ, तरक्की तो कुछ हो नहीं रही है भाई। उस दिन मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं भाई, बहुत कुछ मैंने सीख लिया है एंड जो मैंने सीखा है ना वो तो मेरा ही रहने वाला है ना, तो उसे तो कोई लेके जा नहीं सकता। हाँ भाई नहीं कमाए पैसे वीडियो बना के तो क्या हुआ, पैसे ही हर चीज़ नहीं होते, ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है, पैसों से बड़ी चीज़ ज्ञान है। तो ये हो गया एक प्लस पॉइंट एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है ना तो लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल बनाया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड कोई तो फ़ोन कर रहा है मेरे को। तो बस अभी मैं पार्टी लोकेशन पे पहुंचने ही वाला हूँ एंड वहाँ खाने वाले हम लोग पिज़्ज़ा एंड देन मैं आपको निकल के शाम को मिलता हूँ अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। वैसे तो मैं अपनी फैमिली को अभी कैमरे पे दिखाना नहीं चाहता क्योंकि पापा को तो पता ही नहीं है कि मैं ये वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, मतलब 2 साल से मैं छुपा छुपा के वीडियोज़ बना रहा हूँ, लाइक मैंने अभी तक उनको पता नहीं चलने दिया, बट ये यार अच्छी बात नहीं है कि घर वालों से झूठ बोला मैंने, बट कोई ना एक दिन तरक्की करेंगे तो खुशी से बताएंगे।
उनको खुद ही दिख जाएगा कि हाँ लड़का कुछ कर रहा था एंड आज कामयाब है थोड़ा बहुत। अगर आपको किसी भी टाइप से ये वीडियो अच्छी लगी, आपको मैं अच्छा लगता हूँ, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नहीं देख रहे हैं शेयर तो कर दो भाई, कम से कम एक व्यू आ जाएगा, एक मिनट तो देख ही लेगा थोड़ा बहुत बंदा, जो मैंने इंट्रो बनाया था वो तो देखा ही होगा उसने, तो थोड़ा बहुत वॉच टाइम आ जाएगा एंड चैनल को हो जाएगा मोनेटाइजेशन की ओर एक स्टेप और। तो चलो फिर मैं पहुंच गया हूँ, अभी आपको मिलता हूँ खा पी के। एंड जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया था, मैं अभी अपने नए वाले घर से आया, तो वहाँ किसी ने मोटर चालू छोड़ दिया है एंड मुझे तो पता ही नहीं था कि मोटर के बारे में वो चल रहा है कि क्या है। तो वीडियो अभी तक तो बोरिंग थी, बट अब आप लोग को बहुत तगड़े तगड़े क्लोज कॉल्स मिलने वाले हैं, क्योंकि भाई वाटर लॉगिंग बहुत होता है यहाँ। ऐसे फ़ोन आया था एक अंकल का, पड़ोसी का मेरे फ़ोन आ रहा था, मुझे लगा कि ऐसे किसी काम की वजह से फ़ोन कर रहे होंगे, बट मुझे नहीं पता था कि वहाँ किसी ने मोटर चालू छोड़ दिया है। अब फटाफट पहुँच के बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सेव वाटर गाइस। बट ना आज मेरा बर्थडे है, मुझे तेज चलाने का मन तो नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तेज चलाने का, बट अभी तो सिचुएशन ही ऐसी है कि जाना पड़ेगा यार। तेज चलाने वाली बात नहीं है, लोग देख रहे हो साइकिल्स हैं, मतलब लाइक साइड हो जाए, नहीं नहीं साइड ही नहीं होंगे। लाइक ये अभी साइकिल वाले अंकल पे इतना गुस्सा है, क्या बोलूँ मैं, छोड़ते हैं, टुडे इज़ आवर बर्थडे। मन था आज फैमिली के साथ बाहर जाने का, बट मुझे लग रहा है कि पापा गुस्सा हो गए हैं, इसके वजह से आज शायद थोड़ा बहुत डांट पड़ने वाली है। यार मुझे थोड़ी पता था किसने चालू कर रखा है, अरे यार सबको क्या करना है। सॉरी फॉर द विंड नॉइस, बट टिंटेड वाइजर है, दिख नहीं रहा बिल्कुल, खोल के चलाना पड़ेगा। अरे यार आजकल पता नहीं किस बात का जैम लग रहा है उन्नाव में। लग रहा है आज पिज्जा खाना मेरे नसीबी में नहीं है। लेने आया हूँ, ये वाला पसंद आ रहा है, कम से कम इस पे कुछ लिख तो देते। आई एम स्टक इन द ट्रैफिक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।